चारों तरफ गांव के लोगों की भगदड़ मची हुई थी। सभी के चेहरों पर एक खौफनाक डर था और सब अपनी जान बचाकर यहां से वहां भाग रहे थे। अरे अपनी अपनी जान बचाकर भागो, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो वापस से लौट आई है और अब उसका कहर दोबारा से हमारे गांव पर पड़ेगा। अरे बिटिया, किसकी बात कर रही है तू? कौन लौट आई? आराध्या के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वह डर के मारे कुछ भी कह नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खुलकर बड़ी हो गई थीं, पसीने से उसके सारे कपड़े भीग गए थे और वह बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। तभी गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई लोगों, इस लड़की को क्या हो गया, बिना कुछ कहे ही यहां से भाग गई? लगता है कोई जंगली जानवर देख लिया होगा, तभी तो डर के मारे भागी है। और लड़कियां तो होती हैं डरपोंक, किसी भी चीज से डरने लगती है। तभी जंगल से एक बहुत ही भयानक तूफान उठकर गांव में आ जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगती है। अरे अरे ये देखो, बस इसकी और कमी थी, अभी तो वो लड़की यहाँ से तूफान में गई है और अब ये तूफान भी हमारे सिर पर आ गया। चलो भाई लोगों, अपने अपने घर चलते हैं। वह सभी वहां से उठकर जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। मुझसे बिना मिले ही चल दिए, मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए ही आई हूँ, जरा मुझसे मिल तो लो। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो जैसे उनके जीवन पर कोई कहर टूट पड़ा हो। डर के मारे उनके पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल पिशाचनी खड़ी होती है। अरे ये तो वही है, ये यहाँ कैसे आ सकती है? ऐसा नहीं हो सकता, ये वापस कैसे आ गई? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ये वापस आ गई है। अब ये किसी को नहीं छोड़ेगी, हम में से कोई नहीं बचेगा, अब ये सबको मार देगी। वापस तो आना ही था, तुम लोगों की मौत का वादा जो करके गई थी, अब मुझे अपना वादा पूरा करना है और तुम लोगों को मारकर तुम्हारे ताजे ताजे खून से नहाना है। अरे तुम लोग इस चुड़ैल को क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो ये किसी को नहीं छोड़ेगी। रामू और जगमोहन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन गजेंद्र चुड़ैल को देखकर वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उसके पास जाती है और उसकी गर्दन पर अपना मुंह रखकर उसके शरीर का सारा खून पी जाती है, जिसके बाद वह उसकी मुंडी पकड़कर उसके शरीर से अलग कर देती है। कहां तक बचकर भागोगे, तुम में से कोई नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम लोगों की मौत मेरे हाथों लिखी है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, जितना भागना है भाग लो। चुड़ैल गांव के लोगों को एक एक करके मारने लगती है और उन्हें मार कर गांव के पनघट के अंदर फेंकने लगती है। धीरे धीरे पनघट का पूरा पानी खून से लाल हो जाता है। उसी समय एक हीरा नाम का आदमी अपनी साइकिल उठाकर अपनी पत्नी दामिनी से कहता है, दामिनी इस गांव को अब कोई नहीं बचा सकता, तो मेरी गुड़िया रानी के साथ घर में ही छुपी रहना, जब तक मैं भैरव बाबा को लेकर गांव न लौटाऊं, तो मेरी बच्ची का ध्यान रखना और अपना भी। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से वापस लौट आना, आपके अलावा मेरा और मेरी बच्ची का इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो दामिनी, हमें इस चुड़ैल से मुक्ति जरूर मिलेगी और हमें खुशहाल जीवन जरूर जिएंगे। हीरा साइकिल लेकर निकल जाता है। वहीं दामिनी भी अपनी बेटी चांदनी के साथ घर में छुप जाती है, लेकिन चुड़ैल का आतंक पूरे गांव में फैल जाता है और वह आधे से ज्यादा गांव के लोगों को मार चुकी होती है। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। जैसे ही हीरा भैरव बाबा के पास पहुंचता है, वह भैरव बाबा को गांव में आई चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है। बाबा वो फिर से आ गई है, हमारी मदद करो, हमारे गांव के ऊपर बहुत बड़ा कहर टूटा है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हीरा भैरव बाबा को अपने साथ गांव ले आता है, जिसके बाद भैरव चुड़ैल को रोकने के लिए उसके ऊपर अपने मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन कई मंत्र पढ़ने के बाद भी चुड़ैल भैरव के वश में नहीं आती, जिसके बाद चुड़ैल भैरव से कहती है, तुझे क्या लगा भैरव, तू इस बार भी मुझे मार देगा, लेकिन मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं लौट कर जरूर आऊंगी, जैसे ही अमावस्या का चांद अपने आकार पर आएगा मैं इस पनघट के पानी में नहा लूंगी, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी और फिर मैं तुम लोगों की आत्माओं को बंदी बनाऊंगी
और सबके ऊपर राज करूंगी। ये कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से भैरव बाबा के ऊपर वार करती है, जिसके बाद भैरव घायल हो जाता है। चुड़ैल, पिछली बार तो तू बच गई, लेकिन याद रख, इस बार तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। भैरव भैरव भैरव, जो खुद नहीं उठ सकता वो मुझे क्या उठाएगा। अपनी औकात से बढ़कर बात मत कर, आज तेरा अंत है और तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। कुछ ही देर में अमावस्या का चांद अपने आकार में आने वाला होता है। वहीं बेचारे भैरव बाबा चुड़ैल से लड़ने के लिए अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उनका ध्यान चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, जिसमें उन्हें भोले बाबा का अक्स दिखाई देता है। तभी भैरव हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और एक मंत्र का जाप करके चुड़ैल के चारों तरफ घूमते हुए नाचने लगता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पवित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमन 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 निनाद वंड मन चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम 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 शिवम। भैरव के मंत्र पढ़ने से चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ने लगती है और बहुत ही बुरी तरह तड़पने लगती है, जिसके बाद भैरव रस्सी उठाकर चुड़ैल को रस्सी से बांध देता है और उसके चारों तरफ डमरू बजा बजा कर घूमने लगता है। डमरू की आवाज से चुड़ैल के कानों में दर्द होने लगता है और वह दर्द से चिल्लाने लगती है। रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे बंद करो। क्यों छोड़ दूं? तुझे तो गांव में अपना आतंक फैलाना था, तुझे तो सबके ऊपर राज चलाना था, निकल गई तेरी एकड़ी। चुड़ैल, क्या तूने कभी ये कहावत नहीं सुनी, बुराई का अंत हमेशा अच्छाई करती है, और तेरा अंत करना मेरे ही हाथों लिखा है चुड़ैल। मैं अमर हूँ, मैं चांडाल से अमर होने का वरदान लेकर आई हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चुड़ैल, तुझे क्या लगा कि तू अमर होने का वरदान ले आएगी तो तू अमर हो गई? अभी देख मैं तुझे इस दुनिया से कैसे अमर करता हूँ। ये कहकर भैरव एक तंत्र विद्या शुरू करता है और अपने चारों तरफ तीन घेरे बनाता है, जिसके बाद वह उन घेरों के बीचों बीच बैठकर मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ईम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ईम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। भैरव के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल के अंदर से छोटे छोटे आग के गोले निकलने लगते हैं, जिसके बाद भैरव चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है और चुड़ैल उसी क्षण जल कर राख हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। Ha 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 ha!